जीपीएस लगा गीत पहुंचा वन विभाग के कार्यालय देखने पहुंचे सैकड़ों लोग, तरह तरह की चर्चाएं। जिले के बहरा थाना क्षेत्र के हावी भौर गांव में एक खेत में गिरे गीत के शरीर पर सेंसर लगा देख इलाके में सनसनी मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई इसे दुश्मन देश द्वारा जासूसी जोड़ कर तो कोई इसे खुफिया विभाग की निगरानी से जोड़ कर देखने लगा। दरअसल रविवार को खेत में एक गीत अचानक गिर गया। उसके शरीर पर गर्दन के ऊपर एक कैमरा जैसा डिवाइस लगा था, साथ ही गांव के पास कुछ लिखा हुआ सील लगा था। इस अजूबे को देखने के लिए उक्त स्थल पर लोगों का मेला लगना शुरू हो गया। इसकी सूचना मिलने पर बहरा थाना क्षेत्र राज कपूर कुशवाहा ने वहां पहुंचकर गीत को देखा और उनके ऊपर लगे यंत्र को देख उन्होंने इस बात की सूचना तक्षण अपने उच्च अधिकारियों को एवं वन विभाग को भी दिया। हालांकि शाम के समय वन विभाग के कर्मियों वहां पहुंचकर तत्काल गीत को जाल से ढक दिया और अपने वरीय अधिकारियों के आने का इंतजार करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि ये गिद्ध विगत चार दिनों से इस गांव में इधर उधर भटक रहा था। वही एक प्रत्यक्षदर्शी मोहन ठाकुर अपने खेत में रविवार को 3 बजे के आसपास धान की कटनी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत के मेड़ पर पड़ी, जहां उन्होंने गिद्ध के शरीर के ऊपर एक यंत्र लगा देखा। इस बात की सूचना उन्होंने ग्रामीणों को दिया, उसके बाद थाना की पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल वहाँ बहेरा थाना पुलिस कैंप कर रही है। जो था बहेरा सूचना, बहेरा अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष से हमको पता चला कि एक ठो गिद्ध हावी भुआर चौर में आया हुआ है। हाँ, आप वहाँ पर आइए। हम वहाँ पर गए, देखे गिद्ध वहाँ पर था। गिद्ध पर जब गए तो वहाँ पर हम मसहरी लेकर के जाल लेकर उसको चारों बगल से पहले इसको ढक दिए। उसके बाद इसको उठा के लाए अपने नर्सरी में देखा, उसके पीठ पर पड़ा उसको देखा, एक ठो सुचिप जैसे लगा हुआ कुछ, और उसके पैर में एक ठो झुंझुना लगा हुआ है। उसको हमने उठा करके बेनीपुर और अस्थायी पौधशाला में ला करके रात भर रखे। रखने के बाद वहाँ पर उसका खाना वाना का व्यवस्था करवाए, पानी वानी दिए, सब सवेरे में डिवीजन ला कर यहाँ पर सपोर्ट कर दिया। अभी क्या ज्ञात हो रहा है, किस तरह की लग रहा है, संदेहास्पद है गिद्ध? ये तो हमको लगता है संदेहास्पद है, या नेपाल से भेजा गया हो, या पाकिस्तान से भेजा गया हो, या इंडिया का हो, ये तो हम कन्फर्म नहीं है। इसके बारे में सूचना दे दी गई है अधिकारियों को? इसके बारे में अधिकारी को सूचना दे दी गई है। अभी तक कोई अधिकारी आए हैं इसके जानकारी के लिए? अधिकारी देखने के लिए अवे किए हैं, डीएफओ साहब और अवे किए हैं, रंगे साहब भैया हैं। नहीं, जिला से या सेंट्रल से कोई ऐसा? जिला से नहीं, कोई सेंट्रल से कोई? जिला से सेंट्रल से नहीं है, जिला से है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आर एन झा हुआ, प्रभारी बनपाल मणिपुर। जीपीएस लगा गीत पहुंचा वन विभाग के कार्यालय देखने पहुंचे सैकड़ों लोग, तरह तरह की चर्चाएं। जिले के बहरा थाना क्षेत्र के हावी भौर गांव में एक खेत में गिरे गिद्ध के शरीर पर सेंसर लगा देख इलाके में सनसनी मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोई इसे दुश्मन देश द्वारा जासूसी जोड़ कर तो कोई इसे खुफिया विभाग की निगरानी से जोड़ कर देखने लगा। दरअसल रविवार को खेत में एक गिद्ध अचानक गिर गया। उसके शरीर पर गर्दन के ऊपर एक कैमरा जैसा डिवाइस लगा था, साथ ही गाँव के पास कुछ लिखा हुआ सील लगा था। इस अजूबे को देखने के लिए उक्त स्थल पर लोगों का मेला लगना शुरू हो गया। इसकी सूचना मिलने पर बहरा थाना क्षेत्र राज कपूर कुशवाहा ने वहां पहुंचकर गिद्ध को देखा और उनके ऊपर लगे यंत्र को देख उन्होंने इस बात की सूचना तक्षण अपने उच्च अधिकारियों को एवं वन विभाग को भी दिया। हालांकि शाम के समय वन विभाग के कर्मियों वहां पहुंचकर तत्काल गिद्ध को जाल से ढक दिया और अपने वरीय अधिकारियों के आने का इंतजार करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि ये गिद्ध विगत चार दिनों से इस गांव में इधर उधर भटक रहा था। वही एक प्रत्यक्षदर्शी मोहन ठाकुर अपने खेत में रविवार को 3 बजे के आसपास धान की कटनी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत के मेड़ पर पड़ी, जहां उन्होंने गिद्ध के शरीर के ऊपर एक यंत्र लगा देखा। इस बात की सूचना उन्होंने ग्रामीणों को दिया, उसके बाद थाना की पुलिस को सूचना दी गई।